ये है मेरे फाउंटेन पेंस कलेक्शन अंडर 1000, और ये है पार्कर फ्रंटियर पेन, ये है पार्कर बीटा पेन, ये पार्कर वेक्टर गोल्ड कलर्ड पेन, और ये है पार्कर वेक्टर स्टेनलेस स्टील पेन। तो ये चारों कहने से बहुत स्मूथ है, और बीटा जो है ये हमारा फाइनली पेन है, और ये थोड़ा सा चिकना है इसका निब। मैंने इसको यूज़ किया है, बहुत बार लिखा है, लेकिन ये जो है इतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि इसका दाम भी कम है, चीप है, और ये इसका बॉडी प्लास्टिक है, ये वाला जगह मेटल है, और ये वाला जगह फिर से प्लास्टिक है। और अंदर आपको एक इंक कन्वर्टर मिल जाता है, और बीटा के साथ में ये ब्लू का क्विंक इंक यूज़ कर रहा हूँ, पार्कर का ब्लू क्विंक इंक, और मैं इनको फिल करता हूँ इस सीरिंज की मदद से। और चलिए आगे बढ़ते हैं पार्कर फ्रंटियर की तरफ। अब पार्कर फ्रंटियर जो है ये बहुत ही अच्छा पेन है, ये मैंने ब्लैक लिया है, मैटे ब्लैक का है, और इसका जो निब है ये फाइन निब है, इधर एफ लिखा है, मतलब फाइन निब है, और ये जो है ये मोटा है और बहुत स्मूथ है। पहले ये थोड़ा सा रफ था, लेकिन मैंने इसको लिखते पूरा इसको सेटिंग कर डाला, और ये इतना स्मूथ है कि मैं बता नहीं पाऊँगा, ये बहुत अच्छा लिखता है। मैं इन दोनों पेंस को डेली यूज़ में रखता हूँ, और ये जो मेरे ये दो वेक्टर्स हैं इनको मैं कभी कभार लिखता हूँ, क्योंकि वेक्टर का निब जो है करीब बीटा की तरह ही है, और ये थोड़ा सा मतलब स्केची हो जाता है, और ये भी फाइन निब है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है इसका निब। पहले बीटा का निब ऐसा होता था, लेकिन अब उस बीटा को बंद कर दिया है। और वेक्टर का स्टेनलेस स्टील जो है ये बहुत सुंदर दिखता है, और मेरे को ये ज़्यादा पसंद आया वेक्टर गोल्ड, क्योंकि ये जो है पूरा गोल्डन कलर का है, और इसका भी नीब बिल्कुल इसकी तरह ही गोल्ड प्लेटेड सेम है, सिर्फ ये जगह रंग किया हुआ है, और ये गोल्ड नीब गोल्ड प्लेटेड है, और ये भी बिल्कुल इसकी तरह है, और मैं भी इनसे कभी कभार लिखता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनकी राइटिंग टेस्ट करते हैं। तो राइटिंग के लिए पहले हम लेते हैं पार्कर बीटा को, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, राइटिंग जो है ये इतना भी स्मूथ नहीं है, स्केची है। और ये पेन थोड़ा स्केची है, अगर आप एक लो प्राइस्ड पेन लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्केची होता है। और अगर आप ऐसा पेन लेना चाहें जो आपके सिग्नेचर में काम आता है, या आपको थोड़ा फास्ट लिखने की ज़रूरत है, आपका हाथ दर्द करता है, तो आप ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा पेन है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इसमें मैंने ब्लैक इंक यूज़ किया है, फ्रंटियर। इसका ग्रिप प्लास्टिक का है, और लिखने में थोड़ा मोटा है, मैटे ब्लैक, तो इसका जो सिग्नेचर है बहुत ही शानदार है। और मैंने इन दोनों को कुछ दिन पहले ख़रीदा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा यूज़ करके।